ब्रेक के बाद स्वागत है सिटी 60 में बात दिल्ली के रजौरी गार्डन की, जहां पर एक रेस्टोरेंट में कस्टमर आता है, खाने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलने में देरी होती है तो होटल स्टाफ और कस्टमर के बीच बहस शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में ये बहस मारपीट में तब्दील होती है और इस मारपीट में कस्टमर की जान चली गई। कैपिटल सिटी से बिलाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के रेस्टोरेंट में मांगा खाना मिली मौत। बियर वाला कस्टमर वर्सेस किलर रेस्टोरेंट ओनर। कैपिटल सिटी का ये हॉरर कांड आपके होश उड़ा देगा। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में आधी रात 3 बजे मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात हो जाती है। रेस्टोरेंट का मालिक कस्टमर के खून का प्यासा बन जाता है। हरनीत अपने दो दोस्तों के साथ राजौरी के काफिला रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलने में देरी होने की वजह से होटल के कर्मचारियों से उसकी बहस होती है। कर्मचारी होटल के मालिक को फोन लगाते हैं। मालिक अजय नरूला, बेटे केतन नरूला और बाकी लोगों के साथ होटल में पहुंचते हैं और हरनीत और उसके दोस्तों के साथ मारपीट करने लगते हैं। हरनीत को पीटते हुए होटल से 100 मीटर तक खदेड़ते हैं और हरनीत जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है। हरनीत के दोस्त उसे अस्पताल ले जाते हैं लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। बारिश में मेरे पास आ गए तीनों, वो अपना बियर शेर पी रहे थे तो उन्होंने ऑर्डर किया होगा कि वो लेट हो गया होगा। ऐसे ही मेरा डंडा रखा था यहाँ पे, डंडा लेके वो एक लड़का जो मर्डर हुआ जिसका, वो लेके डंडा वहाँ होटल पे चला गया। पता नहीं वहाँ मारपीट किया क्या किया, फिर वापस आया, डंडा नहीं आया। तो आया तो यहाँ पे खड़ा था तो सब मारने आ गए उसको, काफ़ी लोग होटल वाले उधर से भी आ गए इधर से भी आ गए, तो पता नहीं क्या क्या मारा उन्होंने, ख़त्म हो गया। ये वो स्पॉट है जहां पर जो मृतक है हरनीत सिंह सचदेवा, उसको रेस्टोरेंट से पीटते पीटते यहां पर जो आरोपी हैं वो लेकर के आते हैं और यहीं पर जो पीड़ित है वो यहां सड़क पर गिर जाता है और फिर उसके बाद उसके शरीर में चोट लगती है, खून बहने लगता है और जिसके बाद जो है वो उसे अस्पताल लेकर के जाया जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल इसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली के बाद बात अब बेंगलुरु की, जहां पर पैसे के लिए कोई कितना गिर सकता है, इसका एक हॉरर केस सामने आया है। साउथ के एडवांस सिटी बेंगलोर में एक कारोबारी ने अपनी पत्नी और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर खून का ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इन दो शातिर दिमाग अपराधियों के दिमाग में दृश्यम जैसी सुपरहिट मर्डर मिस्ट्री और महाराजा जैसी फिल्म से भी सनसनीखेज प्लान था। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने एक शख्स की जान ले ली और बदले में लाखों करोड़ों रुपए कमा पाते उससे पहले ही कानून का क्लाइमैक्स आ गया। तीन लोगों ने मिलकर एक मर्डर का प्लान बनाया, ऐसा मर्डर जो एक्सीडेंट लगे। इसके लिए मुनि स्वामी नाम के एक शख्स ने अपने दोस्त देवेंद्र को भरोसे में लिया क्योंकि देवेंद्र के पास ट्रक था। अब इस ट्रक का क्या काम पड़ा वो आगे बताएंगे। इस प्लान में मुनि स्वामी की पत्नी शिल्पा भी शामिल थी। पहले मुनि स्वामी ने अपने जैसे दिखने वाले एक शख्स की तलाश की। तलाश एक भिखारी पर जाकर खत्म हुई, उसकी कद काठी मुनि स्वामी से मिलती थी। इन तीनों ने मिलकर 13 अगस्त को उस भिखारी को साजिशन कार से कुचलकर मार डाला ताकि हादसा एक रोड एक्सीडेंट लगे। इसके बाद शिल्पा ने लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस को दिए बयान में शिल्पा ने कहा कि उसके पति की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, जबकि सच ये है कि जिस ट्रक से भिखारी की मौत हुई उसे उसके पति का दोस्त ही चला रहा था। इस गाड़ी में शिल्पा और उसका पति भिखारी के साथ सवार थे। उसे किसी बहाने से फुसलाकर ये लोग गाड़ी से ले जा रहे थे। पीछे पीछे ट्रक से देवेंद्र चल रहा था। रास्ते में पंचर के बहाने पति पत्नी ने भिखारी को नीचे उतरने के लिए कहा और फिर धक्का दे दिया। देवेंद्र ने मौका देखते ही ट्रक चढ़ा दिया। ये सब खुलासे पुलिस की जांच में सामने आए हैं। मुनि स्वामी ने अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाकर कई जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी। लाखों करोड़ों कमाने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया, लेकिन ये फुल प्रूफ प्लान डीकोड हो गया और शिल्पा को छोड़कर दो आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
कातिलों के बाद अब बात यमराज की। चौकी नहीं, रियल नहीं, रियल लाइफ वाले यमराज की बात हम कर रहे हैं, जो चित्रगुप्त के साथ सड़क पर निकल आए और सिस्टम की ऐसी ताक खींची कि वीडियो ऑल इंडिया वायरल हो गया। कला वो नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि वो है जो आप दूसरों को दिखाते हैं। इस शब्द को जीने वाले ये आर्टिस्ट इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हैं, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी जितनी शानदार है, उसके पीछे का मैसेज भी उतना ही सेंसिटिव है। वीडियो कर्नाटक के शहर उडुपी का बताया जा रहा है, जहां कुछ लोकल आर्टिस्ट्स ने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स का गेटअप लिया। एक आर्टिस्ट यमराज बना तो एक चित्रगुप्त कुछ गोस्ट बनकर सामने आए। सब बारी बारी से गड्ढे को कूद कर पार कर रहे थे और यमराज बना शख्स इंच टेप से दूरी नाप रहा था। लेकिन ये लंबी दूरी कॉम्पिटिशन नहीं है। इस वीडियो के जरिए आर्टिस्ट सरकार का ध्यान सड़क के गड्ढों पर ले जाना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि गोस्ट ड्रेस में जो दिख रहे हैं, उनकी जान गड्ढे में गिरने से गई है। कलाकारों की ये अपील कर्नाटक सरकार को अपील करती है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को ये एक्ट बहुत अपील कर रहा है। लोग जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।